सो गाइस, फिटनेस ट्रैकर के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को मेज़र करता है, जिनमें से एक एक्टिविटीज़ होती है हमारे स्टेप काउंट्स, जहाँ पर दोस्तों ये हमको बताता है कि आखिर हमने कितना चला है या फिर हमने कितने स्टेप्स चले हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल ये निकल के आता है कि आखिर जो एक फिटनेस ट्रैकर होता है उसको कैसे पता चलता है कि हमने कितने स्टेप्स चले हैं, मतलब कि वो किस तरीके से काउंट करता है हमारे स्टेप्स को। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं, आखिर एक फिटनेस ट्रैकर किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमारे स्टेप्स को काउंट करता है। तो आपको दोस्तों यदि जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए, और साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरे चैनल का कॉन्टेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर जो ये फिटनेस ट्रैकर होता है वो हमारे स्टेप्स को काउंट करने के लिए यूज़ करता है एक एक्सेलेरोमीटर सेंसर का। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार का सेंसर होता है जो कि यहाँ पर एक फिटनेस ट्रैकर के मूवमेंट को यहाँ पर चेक करता है कि आखिर वो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली किस एंगल से कितनी स्पीड में यहाँ पर मूव कर रहा है, और इसी सारे मूवमेंट को यहाँ पर कैलकुलेट करके इसके बाद पूरा एनालाइज करता है, और उसके बाद ये निकालता है कि आखिर हमने अप्रोक्स कितने स्टेप्स यहाँ पर चले होंगे। यहां पर दोस्तों कोई भी यहां पर फिटनेस जो ट्रैकर होता है वो हमारे स्टेप को एग्जैक्टली काउंट नहीं करता कि हमने कितने स्टेप चले हैं, वो यहां पर उस फिटनेस बैंड में जो भी मोशन होता है, जो भी यहां पर जितने एंगल पे जैसा भी वो मूव होता है, उसी को सेंस करता है एक्सेलेरोमीटर सेंसर की मदद से, और फिर यहां पर दोस्तों एनालाइज करने के बाद हमको एक काउंटिंग देता है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि क्या हम जीपीएस की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जो जीपीएस है वो भी दोस्तों यहां पर अपने एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जहां पर भी हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, और उसके बाद उसको इजीली स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जिससे हमको अप्रोक्स एक वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो यहां पर दोस्तों हम जीपीएस का यूज इसके लिए कर तो सकते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। जैसे कि बात करें, यदि हम किसी बाइक के ऊपर या फिर हम किसी कार में ट्रेवल कर रहे हैं और यहां पर स्लो स्पीड में मूव कर रही है, तो यहां पर भी दोस्तों जीपीएस को तो यही लगेगा कि हम यहां पर मूव कर रहे हैं एक मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से, तो यहां पर दोस्तों वो उस चीज को भी स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहां पर दोस्तों सिर्फ यदि हम जीपीएस की का यूज करें तो यहां पर दोस्तों हमको एक्यूरेट मतलब ऐसा एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं मिल पाएगी। सो गाइस, इसलिए क्या किया जाता है कि जो कुछ फिटनेस ट्रैकर होते हैं वहां पर एक्सेलेरोमीटर सेंसर के साथ साथ जीपीएस का भी यूज करते हैं फॉर एक्यूरेसी पर्पस, जिससे दोस्तों हमको एक एक्यूरेट वैल्यू यहां पर मिले कि अगर हमने कितने स्टेप्स यहां पर चले हुए हैं, मतलब कि दोनों एक्सेलेरोमीटर का भी यूज करते हैं साथ साथ जीपीएस का भी यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहां पर सवाल ये भी निकल क्या आता है कि हमारे स्मार्टफोन में भी दोस्तों यहां पर एक्सेलेरोमीटर सेंसर होता है, तो क्या हम अपने स्मार्टफोन की मदद से हमारे स्टेप काउंट कर सकते हैं कि आखिर हमने कितने स्टेप चले हुए हैं। तो यहां पर दोस्तों हम अपने स्मार्टफोन में भी कुछ एप्स को डाउनलोड करने के बाद यहां पर हमारे मतलब काउंट कर सकते हैं कि आखिर हमने कितने स्टेप चले हुए हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर जो स्मार्टफोन होता है उसको हमको हमारी कलाई के ऊपर मतलब हमारे रिस्ट के ऊपर यहां पर बांधना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यदि हमारा स्मार्टफोन को हम ऑलवेज हाथ में तो रखते नहीं हैं, और यदि उसको हम पॉकेट में रखेंगे तो यहाँ पर परफेक्ट मूवमेंट सेंस नहीं कर पाएगा सेंसर और हमको एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो हम अपने स्मार्टफोन की मदद से भी स्टेप काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपके स्मार्टफोन को आपको या तो हाथ में रखना पड़ेगा या फिर उसको आपकी कलाई के ऊपर बांधना पड़ेगा। तो इससे अच्छा दोस्तों यहाँ पर फिटनेस बैंड का ही यूज किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आखिर एक फिटनेस ट्रैकर किस तरीके से हमारे स्टेप को काउंट करता है, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी लगी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो भी दोस्तों आपको जरूर से पसंद आया होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिए, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूं दोस्तों मैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।